नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज फाइल और इस वक्त हम हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। और हमारे पीछे आप जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, युवाओं की जो एक हुजूम देख रहे हैं, ये युवा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से 2019 में बहाली निकाली गई थी और जिसका मेरिट लिस्ट के आधार पे लगभग 6400 अभ्यर्थियों का एक मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था। और हाल ही में 3 महीने पहले मेरिट लिस्ट को बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट पे जारी भी किया गया था, लेकिन संशोधन के नाम पे उस रिजल्ट को वापस ले लिया गया। अब उसी मसले को लेकर के सैकड़ों की संख्या में युवा गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। ये बहाली है, आज 3.5 साल बीतने जा रहा है, उसके बावजूद भी जो है अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। इसका प्रकाशित किया गया था, उसको संशोधन के नाम पे जो है वापस ले लिया गया है, जो अभी तक नहीं दिया गया है। जबकि इस विभाग का गठन ही इसलिए किया गया था कि ये जल्द से जल्द टेक्निकल से जुड़ा हुआ जो पद है उसका जल्द से जल्द जो है बहाली किया जा सके। बावजूद उसके जो है आज तक BTSC की ये पहली बहाली है, उसको क्लियर नहीं कर सकते। तो हम लोग बैठे हैं धरना पे, ये 14वां दिन है, देख ही रहे हैं इतने सारे लोग। हम लोग कोई सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि अभी तक आया नहीं है, हम लोग बस बैठे हैं। जब तक रिजल्ट नहीं प्रकाशित कर देता है या फिर लिखित नहीं देता है, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे। क्या लगता है कि मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी लोगों को एक और परीक्षा देनी पड़ रही है बैठ करके? सरकार सब चीज़ों को लेकर सरकार और विभाग आखिर मेरिट लिस्ट रिजल्ट देने के बाद इतना मेहनत करने के बाद लोग संविदा में कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं और इस धरना स्थल पर अपना समय भी दे रहे हैं। और अभी बरसात का मौसम है, समय ऐसा है कि वहाँ पर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इंजीनियर्स की वहाँ पर बहाली होनी चाहिए, मगर आप सब बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार अगर पॉजिटिव सोच रखे, आई थिंक सो ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी, धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगी। मेहनत के द्वारा जो करना पड़ रहा है सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स, ये तो बहुत लोग का प्रभावित होगा, क्योंकि कितने लोग का 55-56 साल हो गए, अगर ये थोड़ा सा लेट होगा तो उन लोग का भी एज बहुत कम हो जाएगा नौकरी पर। तो पता चलेगा कि एक तरफ नौकरी ले रहे हैं, दूसरी तरफ रिटायरमेंट भी वहाँ एक हाथ वहाँ हो रही है। ये सरकार की भी लगती है मंशा है, कहीं ना कहीं है कि बहुत तो कम लोग रिटायरमेंट एज में आ जाए तो उनको नौकरी दिया जाए। ये मंशा हम लोग सरकार की पूरी होने नहीं देंगे, हम लोग इसलिए डटे हुए हैं कि प्रकाशित किया जाए। हम लोग को कंप्लीट करनी है। अच्छा, हम लोग का तो काम चल रहा है, बहुत सारे नए बच्चे जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, वो 3-4 साल से लगातार इसी इंतजार में है हमारा ज्वाइनिंग कब होगा। और इस बहाली के चलते कोई भी दूसरा नया बहाली नहीं आ रही है और वो बच्चा लोग में जा रहे हैं, ये बहुत परेशान है। अब जाए तो जाए कहाँ और कहाँ अप्लाई करें। मतलब कि बहुत तरह की परिस्थिति आती है नौजवानों और नौजवान जो भी बेरोजगार अभी है पढ़ने के बाद, और हम लोग खासकर जो सड़क पर आकर बैठे हैं, वो अपने घर से दूर, परिवार से दूर, यहाँ काफ़ी कष्ट और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कोई नया नौकरी बहाली नहीं आ पा रही है, इस कारण बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 6400 सीट का बहाली निकाला गया है, लेकिन 3 साल होने के बाद और तकनीकी आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी करने के बाद पुनः रिजल्ट को वापस ले लिया गया और विगत 3 महीने किसी भी तरह का कोई विभागीय आदेश नहीं मिला। हम लोग ने पिछले 14 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं यहाँ पर, और धरना प्रदर्शन करने के दौरान पिछले 2 दिन पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा एक निकाला गया कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका इसमें पुनः सिलेक्शन किया जाएगा उनका काउंसिलिंग कराने का सिलसिला है। लेकिन हम लोग ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग एवं सरकार हम लोगों को ज्वाइनिंग लेकर पढ़ने। आज धरने का 14वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से तो किसी प्रकार का किसी प्रतिनिधि को ना तो किसी प्रतिनिधि को भेजा गया है, ना ही सरकार आई है और ना ही BTSC हमारे जो विभाग है
यहाँ से बहाली होना है, वहीं से कोई पदाधिकारी के लिए हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करनी है। हम लोग का वेतन बहुत ही कम है, जिससे हम लोग को खुद खर्चा नहीं चल पाता है। तो परिवार का खर्चा समझिए कितना कष्टमय होता है, जो घर में बात सुनना पड़ता है कि आप लोग क्या जूनियर इंजीनियर हैं, क्या कमाते हैं। इसलिए सरकार हम लोग को जल्द से जल्द जो बेइज्जती होती है जूनियर इंजीनियर के, उसका वेतन मान जो 4600 ग्रेड के है, उस पर बहाली जल्द करे और हम लोग को घर से भी ताना जो मिलता है वो दूर हो और हम लोग बहुत कष्टमय जीवन जीते हैं। जो सरकार हम लोग को वेतन संतोषप्रद नहीं देता। सरकार का काम तो प्रभावित है, सभी संविदा कर्मी जो है हम लोग बैठे हुए हैं धरना पे। सरकार का काम तो पूरी तरह से बाधित है, सभी विभाग का जो कार्य है बाधित है और बाधित रहेगी जब तक हम लोग का संशोधित रिजल्ट जारी नहीं होता है। हम लोग को जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता है, हम लोग को अनुशंसा नहीं कर देती है सरकार, तब तक जो है हम लोग बने रहेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पर बने रहेंगे। सही बात है, सरकार ने 6000 बहाली दी और 6000 में सरकार को क्या 2000 भी कर्मी अभियंता की आवश्यकता नहीं थी? अगर नहीं थी तो इतनी बड़ी बहाली अगर निकाली तो कम से कम दो सरकार का कार्य तो बाधित हो ही रहा होगा। सरकार को ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम हमारे लोगों पर विचार करिए। आपने ही हम लोगों को रोजगार दिया, इसमें बहुत सारे अनुभव प्रमाण पत्र आप ही ने कहा है कि 5 साल के लिए 25 नंबर दिया है, तो हम लोग जो संविदा वाले भी लोग हैं उनकी भी नियुक्ति हो जाती है। आप ही के राज में सब कुछ है, हमें आप पर ही आशा है। और किसी लोग टालमटोल का रवैया अपना रही है, जब से आयोग देख रही है कि हम यहाँ पर लगातार लोग 14 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, उसके बाद आयोग को इसमें टालमटोल करने वाली कोई बात ही नहीं है। उसके बाद GAD के तरफ से भी उनको जो है कागज जो भी बनना था वो बना करते ही दिया गया है। तब आयोग के ऊपर है कि जब जितना जल्द से जल्द हो बहाली को क्लियर करें। इसलिए यहाँ पे लगातार 14 दिन से दिन रात धरना हो रहा है। आप देख रहे हैं कि धूप है, डेली बारिश हो रहा है, इतने सख्त गर्मी में भी यहाँ पर 100 200 400 500 लोग डेली आकर बैठ रहे हैं। और इस बहाली को लेकर असल बहाली किस लिए किया जा रहा है कि बिहार के विकास में तरक्की हो, इसलिए बहाली की का ज़रूरत है। और यहाँ पे इतने सारे भारी इंजीनियरों की कमी है, 6400 इंजीनियर चाहिए था। आप समझ रहे हैं कि विभाग में इंजीनियरों की कितनी कमी है। अभी बाढ़ का समय है, आपको WRD में चाहिए, माइनर इरीगेशन में इंजीनियर चाहिए, तो हर जगह JEE का कमी ही कमी है। तो आयोग को चाहिए कि इसको जितना जल्द हो उतना जल्द क्लियर करे बहाली को, नियुक्ति प्रक्रिया को अपना पूरा करे। यहाँ पर हम लोग पागल महीना है बैठे हुए हैं कि आके दिन रात सड़क पर बैठे रहेंगे। हम कहाँ से आए हैं, सहरसा से आए हैं, हम भी कहीं पर रोजगार कर रहे हैं, बिहार सरकार के अंग हैं, लेकिन मजबूरन हमको यहाँ पर आके बैठना पड़ रहा है कि ये परमानेंट बहाली है ना। ऐसे इस बहाली से पूरे बिहार का विकास इसमें रुका हुआ है इस बहाली से। इसलिए हम लोग भी लगातार काम धंधा छोड़ के रिस्क लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस बहाली को क्लियर कराने के लिए। ये किस तरह का संशोधन की बात की जा रही है बार बार, जब भी पूछा संशोधन का नाम गलती है कुछ है, मतलब अभ्यर्थी का जो आधा पत्ती किया हुआ था उसमें 0 दिखा रहा था मार्क, मतलब संशोधन वो, और जब मेगा सूची बनाया गया तो उसमें उसका नाम दिखा रहा था। इसके बारे में मतलब संशोधित करके आयोग की गलती की वजह से हम लोग का रिजल्ट फंसा हुआ है, संशोधित करके हमारा रिजल्ट दे जल्द से जल्द, हमको यही मांग है। जब तक मांगेगी या नहीं मांगेगी, हम लोग का तो धरना का सिलसिला बना दिया है, तो धरना हम लोग देंगे। सरकार माने मानना ही पड़ेगा, सरकार एकदम मानना पड़ेगा। जब सरकार गलत कर रही है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। हम लोग सारे उसके सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन के अंडर में आते हैं, वो सब प्रक्रिया पार करके जब हम लोग यहाँ तक आए हैं तो आगे भी रहेंगे।